शाबाश अरशद। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो के लेजेंड अरशद नदीम के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया गया है। और इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी साहब। भट्टी साहब, मजीद आपके पास क्या डिटेल्स हैं? कुछ इतलात ये भी मंजर आम तक आई हैं कि अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी मियाँ चुनू में भी बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, इनामात की बारिश जो है वो लाहौर में, वैसे भी मैं बता दूं कि बारिश हो रही है, और इनामात की जो बारिश है वो सिर्फ अरशद नदीम पे हो रही है, जो कौमी हीरो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया, ओलंपिक्स में ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम किया, जिसके बाद उन पर इनामात की अब बारिश शुरू हो गया। गवर्नर पंजाब ने भी आज इनाम का ऐलान किया। मरियम नवाज ने 10 करोड़ रुपए और मियाँ चन्नू में अरशद नदीम स्टेडियम का फौरी तौर पर ऐलान किया, जहाँ पर एथलेटिक्स के लिए उनका ये कहना है कि जी अगर कोशिश करेंगे कि अगर लोकल कोच जो है और उसके साथ साथ जो बाहर से कोच है, गैर मुल्की कोचेज भी वहाँ पे आए और लोगों को, बच्चों को वहाँ पे ट्रेनिंग दें। अरशद नदीम के लिए उन्होंने कहा कि जल्द घर का भी लाहौर में बंदोबस्त किया जाएगा ताकि वो यहाँ पर रहकर बेहतर ट्रेनिंग करें और पाकिस्तान के लिए मजीद कामयाबियाँ समेटें। जी भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। शाबाश अरशद। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो के लेजेंड अरशद नदीम के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया गया है। और इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी साहब। भट्टी साहब, मजीद आपके पास क्या डिटेल्स हैं? कुछ इतलात ये भी मंजर आम तक आई हैं कि अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी मियाँ चुनू में भी बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, इनामात की बारिश जो है वो लाहौर में, वैसे भी मैं बता दूं कि बारिश हो रही है, और इनामात की जो बारिश है वो सिर्फ अरशद नदीम पे हो रही है, जो कौमी हीरो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया, ओलंपिक्स में ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम किया, जिसके बाद उन पर इनामात की अब बारिश शुरू हो गया। गवर्नर पंजाब ने भी आज इनाम का ऐलान किया। मरियम नवाज ने 10 करोड़ रुपए और मियाँ चन्नू में अरशद नदीम स्टेडियम का फौरी तौर पर ऐलान किया, जहाँ पर एथलेटिक्स के लिए उनका ये कहना है कि जी अगर कोशिश करेंगे कि अगर लोकल कोच जो है और उसके साथ साथ जो बाहर से कोच है, गैर मुल्की कोचेज भी वहाँ पे आए और लोगों को, बच्चों को वहाँ पे ट्रेनिंग दें। अरशद नदीम के लिए उन्होंने कहा कि जल्द घर का भी लाहौर में बंदोबस्त किया जाएगा ताकि वो यहाँ पर रहकर बेहतर ट्रेनिंग करें और पाकिस्तान के लिए मजीद कामयाबियाँ समेटें। जी भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए।